Hello guys, welcome back to the collab video of Engineers and Electronics and Last Moment Tuitions. ये Arduino Series का fourth part है. अगर आपने पहले के तीन videos देखे हैं, तो आपको अब तक Arduino के basic programming की knowledge तो आ ही गई होगी. इस video से हम लोग थोड़ा advanced level start करेंगे. इस video में हम लोग 16x2 LCD को interface करेंगे. देखेंगे कि कैसे simple LCD का program लिखते हैं, उसमें कैसे एक-एक word को print करते हैं. पहले हम लोग Hello World print करके देखेंगे. तो चलिए start करते हैं. तो गाइस अब LCD को Arduino के साथ कैसे इंटरफेस करना है ये जानने से पहले हम LCD मॉड्यूल के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या पिन्स रहते हैं और कौन सा पिन Arduino के कौन से पिन को कनेक्ट होने वाला रहता है. तो पहले देखते हैं LCD मॉड्यूल के बारे में. ये है हमारा 16x2 LCD मॉड्यूल. इसे 16x2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 16 कॉलम्स और 2 रोज होते हैं, यानी कि एक लाइन में हम 16 कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं और ऐसे दो लाइंस रहते हैं इस मॉड्यूल में. तो टोटल 32 कैरेक्टर्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं एक LCD मॉड्यूल पे. अब इसके पिन्स को देखते हैं. तो इसका जो सबसे पहला पिन रहता है, पिन नंबर 1, वो जाता है ग्राउंड में, तो वो ग्राउंड को कनेक्ट करना है Arduino के. फिर सेकेंड पिन जाता है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट में कनेक्ट करना है. थर्ड पिन होता है कॉन्ट्रास्ट पिन. कॉन्ट्रास्ट मतलब कि जो भी कैरेक्टर हम प्रिंट करने वाले LCD मॉड्यूल पे वो कितना डार्क होना चाहिए. मोस्टली यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं. वो 1 किलो ओम रेजिस्टर का एक एंड जाता है इस थर्ड पिन में और दूसरा एंड ग्राउंड कर देते हैं. तो ऐसे 1 किलो ओम रख के हम एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं इस LCD मॉडल का. फिर फोर्थ पिन रहता है रजिस्टर सिलेक्ट. ये जाएगा Arduino के डिजिटल पिंस में. फिर रीड राइट ये पिन, अगर हमें इस पर राइट ऑपरेशन करना है, यानी कि LCD मॉड्यूल पे प्रिंट करना है कुछ, तो राइट यूज़ करेंगे. और राइट यूज़ करने के लिए हमें इसको लो पल्स देना रहता है, यानी कि इसको ग्राउंड में कनेक्ट करना रहता है इंसान. और अगर आप यहाँ से कोई रीड ऑपरेशन यूज़ करना चाहते हो, यानी कि LCD पे कोई चीज़ ऑलरेडी प्रिंट है और मैं उसको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे रीड ऑपरेशन यूज़ करना है. और रीड यूज़ करने के लिए मैं इसको हाई पल्स दूंगा, यानी कि इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा, तो मैं रीड ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ. मोस्टली तो हमें LCD पे प्रिंट करना होता है, तो इसके लिए हम राइट यूज़ करेंगे. इसके लिए इसे हम ग्राउंड करके रखेंगे मोस्टली. फिर होता है इनेबल पिन. ये भी डिजिटल पिन को जाता है Arduino के. फिर D0, D1, D2, D3 ये सारे पिन हम यूज़ नहीं करते. पिन नंबर 7 से लेकर 10 तक LCD के हम लोग यूज़ नहीं करते Arduino में. फिर आता है D4 टू D7, यानी कि पिन नंबर 11, 12, 13, 14 ये भी जाता है Arduino के डिजिटल पिन. और फिर आता है बैकलाइट, कैथोड, बैकलाइट एनोड. अब LCD में बैकलाइट होता है, तो वो बैकलाइट हमें ऑन रखना है. तो फिर बैकलाइट कैथोड यानी कि पिन नंबर 15 को हम 5 वोल्ट देंगे और बैकलाइट एनोड इसको हम ग्राउंड करेंगे, तो इसका बैकलाइट ऑन हो जाएगा. अगर आपको बैकलाइट ऑफ रखना है तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस पिन में. तो ये था LCD मॉड्यूल के बारे में. ये सारे LCD मॉड्यूल के टोटल 6 पिन्स, RS, इनेबल और ये D4 टू D7 जाने वाले हैं हमारे Arduino के डिजिटल पिन में, तो ऐसा कनेक्शन कर. अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम. आपको ऑलमोस्ट सर्किट तो समझ गया होगा कि कैसा होने वाला है. एक बार सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं कि हमें परफेक्टली कैसे करेक्ट करना है. तो गाइस अब देखते हैं इसके सर्किट के बारे में. यह रहा इसका सर्किट कनेक्शन. मैंने यहाँ पर 2 से लेके 7 तक डिजिटल पिन्स यूज़ किया Arduino के. 2 से लेके 7 तक जो भी 6 डिजिटल पिन्स है, ये 6 पिन्स कनेक्ट करने वाले हैं हम लोग LCD के साथ. तो चलिए अब इस तरह से कनेक्शन करते हैं. अब प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है. जैसा कि आपको पता है कि LCD मॉड्यूल में होते हैं 16 कॉलम्स. इन 16 कॉलम्स के नाम स्टार्ट होते हैं 0 से लेके 15 तक. ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ. यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को हम डिनोट करते हैं 0 से, लास्ट कॉलम को हम डिनोट करते हैं 15 से. और उसी तरह 2 रोज होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं 0 से और 1, यानी कि फर्स्ट रो होता है 0 और सेकंड रो होता है 1. तो अगर मुझे LCD पे A प्रिंट करना है ऑन 6th कॉलम एंड सेकंड रो,
तो फिर मैं प्रोग्राम कैसा लिखूंगा इसका? इसका होगा lcd.setcursor5,1, क्योंकि कॉलम स्टार्ट होता है 0 से, तो 6th कॉलम रहेगा मेरा 5, और सेकेंड रो, बट यहाँ पे सेकेंड रो का नाम है 1, तो फिर 1, और lcd.printa, ये सारे कमांड से lcd.setcursor और lcd.print, देखिए 5 कॉलम डिनोट करता है और 1 रो, तो lcd.setcursor पहले कॉलम का नाम, फिर कॉमा रो का नाम। तो ये थोड़ा बेसिक था प्रोग्रामिंग का। अब जाते हैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर में और देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो गाइस, अब एलसीडी की प्रोग्रामिंग देखनी है। एलसीडी का प्रोग्राम भी प्री रिटन आर्डिनो सॉफ्टवेयर में आता है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल्स में, यहाँ पर एग्जांपल्स, इसमें जाना है लिक्विड क्रिस्टल में, लिक्विड क्रिस्टल में हेलो वर्ल्ड, ये वाला प्रोग्राम हम देखते हैं कि कैसे रन करता है। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो आर्डिनो का प्रोग्राम रहता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहले हम डिफाइन करते हैं कौन सा पिन यूज करने वाले हैं, फिर आता है वॉइड सेटअप जिसमें इनपुट आउटपुट कौन सा पिन है वो बताते हैं, और फिर वॉइड लूप जिसके अंदर हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर सीन कुछ अलग है। यहाँ पर है पहले हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल, ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि लाइब्रेरी क्या होता है। ये लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग को ऑटोमेटिकली कुछ कमांड्स मिल जाते हैं, जो कमांड्स हम डायरेक्टली डाल के अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल के कुछ कमांड्स हमें इस लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी के थ्रू मिल गए। जैसे कि अब ये पहला कमांड देखिए, लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, और इसमें कौन से पिन हमने यूज़ किए हैं आर्डिनो के वो बताया गया है। तो हमने कौन सा पिन यूज़ किया है, हमने 2 से लेकर 7 तक यूज़ किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एलसीडी के पिन आर्डिनो से कनेक्ट किए, तो फिर इतना पार्ट हो गया। अब वॉइड सेटअप के अंदर lcd.begin 16,2, ये 16x2 का एलसीडी है, तो फिर इसके लिए हम lcd.begin 16,2 लिखेंगे। और भी दूसरे टाइप के एलसीडी आते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। फिर है lcd.print hello world, अब इसको वॉइड सेटअप के अंदर इसलिए लिख दिया गया क्योंकि ये hello world कंटिन्यूसली हमें चाहिए, तो हम इसको वॉइड सेटअप में डाल के और डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सेट कर्सर नहीं दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे। अब वाइड लूप के अंदर सेट कर्सर का यूज किया गया है, सेट कर्सर 0,1, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 0 क्या होता है यहाँ पर कॉलम और 1 है रो, तो यानी कि 0 कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम और 1 यानी कि सेकेंड रो, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो पे प्रिंट होने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है, मिलीस अपॉन 1000, मिलीस के बारे में भी मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया कि मिलीस क्या होता है, वो करंट टाइम रिकॉर्ड करता है। तो अभी जो करंट टाइम चल रहा होगा वो टाइम होगा मिली सेकेंड्स में, तो मिली सेकेंड को अगर हम लोग ने 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो बन जाएगा सेकेंड। तो इसी तरह एलसीडी पे नंबर्स इंक्रीमेंट होते रहेंगे हर एक सेकेंड, और वो प्रोग्राम वॉइड लूप में है, तो फिर ये प्रोग्राम अपडेट होते रहेगा और 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे नंबर्स प्रिंट होते रहेंगे। तो गाइस यही था, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी इसको अपलोड कर देते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट। तो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर सेकेंड्स भी इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। अगर आप आर्डिनो के बारे में और जानना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक की लिंक्स, चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है भाई, चैनल चेकआउट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कुछ भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अपने जैसे लोगों के लिए है वहाँ आपको मिलेंगे, आप खुद कर सकते हो वैसे प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, एप्टीट्यूड क्रैक करना चाहते हो, जहाँ प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो लास्ट मिनट ट्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट मिनट ट्यूशन को चेकआउट कीजिए, अपने लोगों के लिए वहाँ पे वीडियोस हैं जहाँ पे आप बहुत ईजी से चीज़ें पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को, उनको भी बताओ कि कितना ईजी है आर्डिनो सीरीज, और बहुत सारे वीडियोस हैं तो उनको भी चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है, हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, डाउट्स है तो कमेंट करिए। Thank you so much video dekhne ke liye once more and have a nice day.